हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीएसएस फॉन्ट स्टाइल के बारे में। तो फॉन्ट स्टाइल का यूज इस फॉन्ट प्रॉपर्टी में क्या यूज होता है वो आज हम देखेंगे। द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए ज्यादा हमें इस स्टाइल का यूज करना पड़ता है जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है उनका। मतलब यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी आपको दिख रहे होंगे, मतलब फिर उसकी वैल्यू है नॉर्मल जो है वो तो रहना ही है, देन इटैलिक कर सकते हो और ये जो है अब्लिक, तो अब्लिक में भी वो इटैलिक ही होता है, सिमिलर ही होता है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है जो हमारा वो है नॉर्मल, तो वो शो नॉर्मली करता है जैसा हमारा अभी टेक्स्ट है वैसा ही। इटैलिक है जो फॉन्ट को थोड़ा इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, और जो अब्लिक है वो भी टेक्स्ट को टेढ़ा ही करता है, मतलब वो सिमिलर है इटैलिक के जैसा। तो जो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फॉन्ट की स्टाइल डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, यानी आप फॉन्ट को किस प्रकार देखना चाहते हैं इसके आधार अधिकतर फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है, मतलब आप किस तरह से देखना चाहते हो। अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। इटैलिक करने के लिए आपको इटैलिक वैल्यूज लिख देना, उसके बाद वो इटैलिक हो जाएगा, या फिर आपको आई टैग एचटीएमएल में भी इसका यूज है, खाली आई टैग लगा के कर सकते हो तो भी वो आपको इटैलिक दे देगा। और हम यहाँ पे हम इंटरनल टैग में यूज करते हैं, तो इंटरनल में हम कोई भी एक सिलेक्टर का नाम दे देंगे, मतलब पी टैग या फिर कोई भी क्लास से आईडी से आप कर सकते हो और उसे फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक दे सकते हो। तो ये रहा हमारा जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से, मतलब मैंने यहाँ पे पी सिलेक्टर का यूज किया और उसने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक दे दिया है, तो जो ब्राउजर पे शो होगा वो इटैलिक में शो होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने यहाँ पे एक कोड लिख के रखा है, तो इसमें मैंने ये जो पी टैग है पी टैग को मैंने इटैलिक दिया है और उसे फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करके और ब्राउजर पे रन करके देखेंगे कि इसका इंटरफेस अभी कैसा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिलहाल रिमूव करती हूँ, सेव किया और इसको हम रन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, तो हम कुछ भी लिखते हैं अपने वेबसाइट में तो वो सिंपली टेक्स्ट पहले आता है, हमको डिक्लेयर करना होता है उसका फॉन्ट फैमिली और सारा चीज। तो हम पहले खाली फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करेंगे, तो देखना यहाँ पे फॉन्ट फैमिली की भी अगेन प्रैक्टिस हो जा रही है। ये देखिए फॉन्ट फैमिली, तो ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। अब हम फॉन्ट स्टाइल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इटैलिक रखा, यहाँ पे जो है वो नॉर्मल है। ओके, ये देखिए टेढ़ा हो गया थोड़ा, तो यही यूज है फॉन्ट इटैलिक का। हम चाहे तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए, बट नॉर्मल में कैसा आएगा, जैसा हम यूजुअली हमेशा रखते हैं वैसा का वैसा ही। अच्छा, थर्ड था हमारा, ये देखिए उसका भी यूज करेंगे तो वो भी एकदम इटैलिक के जैसा ही है, जैसा हमने इटैलिक टैग में किया था वैसा का वैसा ही। तो इस तरीके से हम फॉन्ट स्टाइल का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में या फिर जैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तब। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉन्ट स्टाइल का यूज क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।